हेलो, इमरान बोल रहा हूँ। आपके इस बात के जवाब में मैं ये बोलूं कि मैं सोबिया बात कर रही हूँ? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आवाज़ पहचानता हूँ तुम्हारी। मुझे लगा शायद वहां जाकर भूल गए। काश भूल सकता। क्यों भूलना चाहते हैं? हाँ, परदेश में यादें अजाब बन जाती हैं। तो आप वापस आ जाएं। जल्दी आ रहा हूँ, बहुत जल्दी। आपको हर काम कितनी जल्दी क्यों होती है? कौन सा काम जल्दबाजी में किया मैंने? मोहब्बत से लेकर निकाह की बात होने तक जितने भी काम थे आपने जल्दी में किए, और निकाह से पहले मुल्क छोड़कर फरार हो गए। फरार तो कैदी होता, और मैं कैदी नहीं। निकाह को कैदी समझा, इसीलिए शायद मुल्क छोड़कर चले गए। नहीं, मैं निकाह से नहीं भागा। मैं वो, खैर छोड़ो, लीव इट। इमरान, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं बस वो असलम की वजह से। असलम? आप असलम से कहाँ मिले? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे बताएं, उसने आपको क्या कहा है? कुछ नहीं, खैर मैं जल्द पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। आकर निकाह करूंगा और शादी के बाद तो मैं कनाडा शिफ्ट कर लूंगा। वहां पाकिस्तान में रहना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। इमरान, आप प्लीज मुझे कुछ तो बताएं, मैं सुनना चाहती हूँ उसने मेरे बारे में आपसे क्या बकवास की है। बकवास हमेशा फजूल बात को कहते हैं, और मैं फजूल बातें करके यहाँ हसीन लम्हात जाया नहीं करना चाहता। आइए असलम साहब। सोबिया गए? सोबिया? क्यों, खैरियत है? खैरियत नहीं है शाह साहब, आपकी बेटियां तो खुलेआम गुंडा करती उतर आई। गुंडा करती? अंदाजा है ये तुम क्या कह रहे हो? शायद गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया मैंने, बदमाशी करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। एक बाप के सामने उसकी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो? शर्म? वो शर्म तो इसके पास से भी नहीं गुजरी। ये हो क्या रहा है? आपकी बेटी ने पैगाम भिजवाया था। मैं पैगाम कह रही थी कि मेरे दांत तोड़ देगी, मेरा हुलिया बिगाड़ देगी, मेरे कपड़े फाड़ देगी। मैंने सोचा चल के देखते हैं ऐसी कौन सी लड़की है जिसने इतनी हिम्मत। अबू, इसने इमरान को धमकी दी थी, इसीलिए वो मुल्क छोड़ के चला गया था। डर भोगता भाग गया यहाँ से। वो वापस आए, तुम्हें जो करना है ना वो कर ले। सोफिया बेटा तुम अंदर जाओ। अब्बू, मैं नहीं डरती इससे, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। आशा था आपकी बेटियां तो बहुत दिलेर हैं, किसी बात से नहीं डरती। तुम यहां क्या कर रहे हो? यही तमाशा देखने के लिए आया था। ये
इतनी आजादी तो यूरोप में भी औरतों को नहीं है जितनी इस मामले में। इतनी लाकानूनियत भी यूरोप में नहीं है जितनी तुम जैसे लोग यहाँ करते हो। अब ये गलत बात है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटो। शट अप। ना ही तुम्हारा कोर्ट है और ना ही तुम्हारा ससुराल। शाह साहब, इस मोहल्ले को या तो छोड़ दें या फिर अपनी बेटियों को काबू में करें। यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? अपना ये शौक भी पूरा कर, बुला। प्लीज प्लीज शाहरुख साहब, बदनामी तो मेरी ही। अगर गलती मेरी बेटी की है तो असलम से मैं माफी मांग लेता हूँ। अब्बू आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? हाथ नीचे करें। जाइए आप लोग भी अंदर। ये सब हो क्या रहा है? हमारे दो आदमी पकड़े गए और अगर ये सब जारी रहा तो हम सब भी जल्द मारे जाएंगे। अबे अब इस इलाके में पुलिस के साथ रेंजर्स ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ के किसी महफूज मुकाम पहुंचना होगा। यार एक तो ये रेंजर्स की वजह से ना हमारी सारी प्लानिंग तबाह हो गई है। अबे ये रेंजर्स पुलिस जान हाथ में लेके घूमती है, इन किसी के बाप से नहीं डरती। जहां हम छुपने जाते हैं ढूंढ निकालती है। बड़े सच जान लोग हैं ये। तो फिर ये सब कैसे होगा? अब हम क्या करेंगे? अरे भाई भागो, वहाँ पुलिस ने घर पे भी छापा मार दिया, यहाँ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या कह रहे हो? चला चला मैं खोल रही हूँ। आजा भाई एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या अच्छा लगा आपका आना। शुक्रिया बहुत। आइए आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो कमाल हो गया आज तो। बस सबसे पहले हम यहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान आप कब आए? मैं अभी अभी आया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कनाडा से कब आए? कनाडा से भी आज ही आए। अरे इसने तो आने का मुझे भी नहीं बताया, अचानक आके सरप्राइज किया है। बहुत ही अच्छा सरप्राइज है आंटी, ये आपके लिए। अरे बेटे बैठो तो सही ना, तोहफे भी हो। अच्छा बैठो तो सही, आजा आजा आजा, बैठो बैठो बैठो। इसकी क्या जरूरत थी आंटी? ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। ये तो बड़ा सा है, लेकिन इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आखिर? जरूरत थी, इसलिए कनाडा से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। बाजी ये आपके लिए। थैंक यू। और आंटी ये अंकल के लिए। अरे बेटे एक ही काफी था ना। और ये जो गिफ्ट है ये किसके लिए? ये वो अंदर रूम में आपको खुद ही देने के लिए जाना होगा। हाँ बेटा जाओ, इतनी देर में मैं नुसरत आंटी से बात कर लूँ, तुम जाओ। आए मैं आपके साथ चल जा। आ जाए। आयशा बाजी
आपको नॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा सरप्राइज है। अच्छा वो क्या? आ जाइए मिस्टर सरप्राइज। सलाम अलैकुम। अरे बैठे बैठे। ये है तुम्हारा सरप्राइज। देख लें, बगैर किसी को बताए कनाडा से वापस आ गया। वैसे इमरान, आपको आने से पहले सोफिया को तो बताना चाहिए था। लो जी, अगर मैं बता देता तो सरप्राइज कैसा रहता? अच्छा तो ये था असल सरप्राइज? नहीं, असल सरप्राइज कुछ और है। और असल सरप्राइज है ये, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पसंद आ जाए तो मैं समझूंगा शुक्रिया का हक अदा हो गया। अरे पसंद कैसे नहीं आएगा, दिन रात या तो आपकी बात हुआ करती थी या सेहत और सफाई पे। मैं भी कनाडा से इन्हीं के लिए आया, और वैसे भी फोन पर निकाह करना बहुत अजीब लग रहा था। आशा चले इमरान भाई, नाश्ता रेडी है। सोबिया चलो। ना रही हूं। मैं हैरान हूं कि तुम लोग हालात को यहां तक ले आए और मुझे कोई खबर ही नहीं। मैं नहीं डैड, शाहरुख हालात को यहां तक लेकर आया है। सारा कसूर शाहरुख का नहीं है, तुम दोनों मुजरिम हो, मेरे और इस मासूम जान के भी। मैंने क्या किया है, मैं क्या करती? बेटी मुझे लग रहा है कि तुम सुमी को इस पोजीशन में लाके शाहरुख से इंतकाम ले रही है। डैड ये कैसे मुमकिन है, एक माँ भला अपनी औलाद से कैसे इंतकाम ले सकती है? इंतकाम में इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने आपके मुखालफत के बावजूद शाहरुख से शादी की, क्या आपने मुझसे इंतकाम लिया? हाँ लिया, मैं ये मुल्क छोड़ के चला गया, तुमसे कांटेक्ट नहीं किया, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं किया। अगर इंतकाम ये नहीं है तो फिर और क्या है बेटी? बाप की नाफरमानी करके तुमने दुख उठाया, तुम्हारी इस गफलत की वजह से सुमी सफर कर रही है। क्या करती? अपनी और सुमी की जरूरियात पूरी करने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ी। तुम मुझे बता, मैं हल निकाल लेता। इस मुंह से मैं आपको कॉल करती? बाप बेटी से नाराज हो सकता है लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ सकता। डैड मैं शर्मिंदा थी, इसी वजह से आपको इन्फॉर्म नहीं किया। चलो जल्दी से तुम मुझे शाहरुख का नंबर दो, उसने मुझे भी अंधेरे में रखा, अपनी बीवी और अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं रखा। मैं उससे बात करूंगा। कैसी है कॉफी? अच्छी है। सिर्फ अच्छी है या किसी फिल्म स्टार की तरह अट्रैक्टिव भी? फिल्म स्टार और कॉफी के बीच क्या रंजम ने से यार। वैसे ही कभी कभी कॉफी पीता हूं तो फिल्म एक्ट्रेस सुंदस याद आता है। सुंदस जानते हो?
हाँ काफी अच्छी आर्टिस्ट थी, मर्डर हो गया बेचारी का। किसने किया था? मालूम नहीं है मुझे, न्यूज देखी थी मैंने। वैसे मीडिया ने बहुत उछाला था इस केस को। वैसे तुम्हें उसका ख्याल क्यों आया? और तुम्हारी कॉफी का सुंदस के साथ क्या ताल्लुक है? बस यार कॉफी पी थी मैंने कभी सुंदस के साथ। सुंदस के साथ? हाँ, इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या मैं नहीं मिल सकता उसे? तुम कहाँ मिले? शुएब के साथ। शुएब जानते हो उसको? नहीं। बहुत मशहूर बिजनेसमैन कैसर का बेटा है। हाँ, नाम सुना मैंने। मैं तस्वीर दिखाता हूँ तुम्हें उसकी। कॉफी वाकई अच्छी है। हाँ तू अपने वकील के जरिए सीधे अदालत पहुंचना। ससुर जो हैं वो बड़े ओहदे पर फाइज, मेरे ससुर बड़े ओहदे पर फाइज हैं, अब उनकी मशावरत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मेरी हेल्प कर दो। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। सोच लो, ये ना हो कि ये केस इतना आगे चला जाए कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प ही ना कर सकूं। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी समझ लो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फायदे में रहोगे। तुम्हारा क्या फायदा है इसमें? बाद मैंने जब ये केस लिया था ना, तो मुझे लगता था कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे वकील दोस्तों ने भी मना किया मुझे। मगर मैंने ये केस एक बेगुनाह लड़के को इंसाफ दिलवाने के लिए लिया है। छोड़ दो, नुकसान में रहोगे। ये केस तो मुझे बहुत फायदा देने लगा है। क्या फायदा देने लगा है? बहुत से लोग बेनकाब हो रहे हैं। किस किस को बेनकाब करना चाहते हो? तुम्हें नहीं करना चाहता।
मेरी हेल्प कर दो। मैं कुछ नहीं जानता। ये तस्वीर क्या है फिर? पता नहीं किसी फंक्शन में बना ली होगी इसने। फहद, अभी मामला मेरे हाथ में है। तुम्हारे दरमियान क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब कानून का फंदा गले में पड़ता है ना फहद, बहुत कुछ याद आता है। जब मैंने कुछ किया नहीं है तो क्यों कानून का फंदा मेरे गले में पड़ेगा? तूने दोस्ती नहीं निभाई फहद, मैं निभाना चाहता। अरे निभा तो रहा हूं दोस्ती, और कैसे निभाऊं? वादा माफ गवाह बन जाओ। तुम जानते हो तुम मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? जानता। Excuse me. अस्सलाम वालेकुम फरहान अंकल, कैसे हैं आप जी? कौन सी हॉस्पिटल? मैं आता हूं जी। सुनी हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूं।